नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी बिहार के लिए बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं, बिहार टीचिंग वैकेंसी जो है, कि सर अचानक से नेगेटिव मार्किंग दे दिया है, मेरा तो एकदम माइंड मेकअप ही नहीं था, अब कैसे होगा, अब कैसे तैयारी होगी, इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरा मार्क्स बहुत कम हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि माइनस मार्किंग ऐसा नहीं है कि वो केवल नुकसानदायक है। माइनस मार्किंग के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, और ये प्रॉफिट ये है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको अपने लॉजिक, अपने आईक्यू, अपने नॉलेज दोनों पे ही भरोसा होते हुए, और दोनों के बदौलत वो स्कोर अच्छा करता है। बच्चों, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरिट बेस्ड परीक्षा है, ये कॉम्पिटिटिव परीक्षा है जिसमें रैंक के आधार पर आपका चयन होना है। रैंक के आधार पर चयन होने का मतलब यह है कि 1,78,026 पद हैं इस पूरी भर्ती में। प्राथमिक की बात किया जाए, प्राइमरी, सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी की बात किया जाए, सारे सेगमेंट को मिला लिया जाए तो, और अगर मैं इसके सापेक्ष में बोलूं कि टोटल कितने फॉर्म पड़ेंगे, तो कम से कम नहीं तो 15 से 18 लाख फॉर्म मिनिमम अनुमानित जो हैं ये आपके फॉर्म पड़ेंगे। मतलब देखा जाए तो कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो एक सीट पर 15 से 20 का अभी से ही है, जिनमें से प्राइमरी का सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं। अब जब कंपटीशन इतनी ज़्यादा है आप सभी के लिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसी परीक्षा जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है, उसको भी आप समझते हुए चलो। भाई, कंपटीशन परीक्षा में अगर स्कोर कम होगा तो सभी का कम होगा, केवल आपका तो कम नहीं होगा, और अगर स्कोर बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, केवल आपका नहीं बढ़ेगा। पेपर कठिन होता है तो सबके लिए कठिन होता है, पेपर आसान होता है तो सबके लिए आसान होता है। तो एक बात आप इतना मुझे बता दूं कि भाई, निगेटिव अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पेपर में निगेटिव सबके लिए ना, आपके अकेले के लिए तो नहीं है, तो स्कोर तो सबका ही नीचे आएगा, और ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि जब निगेटिव नहीं होता था तो लोग तुक्का कर देते, पढ़ाई नहीं किए बट तुक्का ज़्यादा कर दिए, और तुक्का में क्या होता था, किस्मत अच्छा काम कर गई तो आपकी मेहनत उनके किस्मत के आगे ज़्यादा रोल प्ले कर देती थी, और ये हमेशा से होता आ रहा है। अब सीन क्या बनेगा, अब सीन ये है कि निगेटिव आ गया है तो थोड़ा सा जो बहुत हाई स्कोर जाने वाला था वो स्कोर नहीं जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पूरी परीक्षा कितने की है, पूरी परीक्षा 250 अंकों की है, 250 अंक की पूरी परीक्षा है, तो 250 अंक में अगर आप 150 से 170 के बीच में स्कोर आते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ये सिलेक्शन वाला स्कोर है। लगभग 70% और 250 का 70% देखा जाए तो 175-175, इससे ज़्यादा मेरिट इतनी हाई वैकेंसी पे कभी जाएगी ही नहीं जाएगी। तो 60 से 70% के बीच में ही आपकी मेरिट बनेगी, और वो 150 से 170 स्कोर पे मतलब 100% चांस हो जाएगा आपके सिलेक्शन का। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। निगेटिव 1/3 रहेगा, 1/4, तो निगेटिव आपको मैं बता दूं कि 1/4 बीपीएससी हमेशा रखती है, इसमें भी आपके 1/4 के ही ज़्यादा चांसेस हैं। आपका 2 दिन में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 5 ऑप्शन वाले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि 5 ऑप्शन आएगा सर, 4 ऑप्शन, तो ज़्यादा चांसेस है 5 ऑप्शन के, बट मैं इस ओर से कहूँगा कि 4 ही ऑप्शन है, ताकि आप लोग के लिए बीपीएससी ही ना बना दे पूरा कि आप सिविल सर्विसेज नहीं देने जा रहे हो, एक टीचिंग वैकेंसी देने जा रहे हो। चलो, टीजीटी पीजी में 5 विकल्प समझ में आता है, बट प्राथमिक स्तर पर 5 विकल्प समझ में नहीं आता है, फिर भी 5 विकल्प के चांसेस ज़्यादा हैं, इस चीज़ को आप समझते हुए चलिएगा। और इससे कैसे बचे, तो कैसे बचना है ये सारी जानकारी आपको मैं क्लास के दरमियान देता रहूँगा। कैसे आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को, कैसे आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, सब कुछ मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी, तो मैं इसके लिए एक अलग से सेशन पूरी कंप्लीट एनालिसिस के साथ लेके आऊंगा, कैसे बचा जाता है। एक पॉइंट कि इससे कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कट ऑफ निश्चित रूप से कम जाएगा, जहां पे नॉन नेगेटिव पे कट ऑफ 75 ऊपर जाता, वहां पे नेगेटिव पे 60% पे कट ऑफ आपका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बिहार के टीचिंग वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। टीम परीक्षा प्लस निशुल्क आपके लिए बैच चला रही है, सारे क्लासेस, इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो, आपका मैथ्स हो, आपका जीएस हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सोशल साइंस का अलग जो पोर्शन दे दिया है, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, सारे पार्ट आपके बहुत विधिवत तरीके से चलने वाले हैं, तो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है। टीम परीक्षा प्लस अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर लीजिए, और निःशुल्क में सारे नोट्स, इसकी वीडियो मैंने जो पूरी निःशुल्क वाली क्लास की है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दी हूँ, सबसे ऊपर लिंक मिलेगी, आप उसे देख लो, सारी जानकारी मिल जाएगी, और अपनी तैयारी 15 मई शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर दो। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।